बिल्डिंग बच्चों, आज हम आगे बढ़े। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हैं, चैप्टर वन के लास्ट टॉपिक पे हैं। इनफैक्ट हम लास्ट टॉपिक पे ऑलरेडी चले गए थे जब हम गारंटी पे आए थे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हम उसके लास्ट केस पे हैं जो था व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अ पार्टनर। आपकी बुक पे इसके साथ के सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, 77 और 78, और विश्वास मानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 99% बच्चे इसमें जानबूझ के अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि वो सही तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। इन दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है जो मैं आपको ऐसे सिखा देता हूं और आप समझ जाओ। पहले ये समझो कि ये टॉपिक क्या है। ये केस ऐसा है जिसमें एक मैनेजर को पार्टनर बना दिया गया। पहले वो कंपनी में काम करता था एज अ मैनेजर या एज अ एम्प्लॉय, हम इसे एम्प्लॉय एज अ पार्टनर भी कह सकते हैं। अब उसे कंपनी में बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बना दिया। तो जब वो मैनेजर था तो उसे क्या मिलता था, और जब उसे पार्टनर बनाया तो हमने उसे क्या देने का प्रॉमिस किया। बात समझना गौर से। एक आदमी एक बिजनेस में एम्प्लॉय था, काम करता था, अब हमने उसे पार्टनर बना दिया। जब वो एम्प्लॉय था तो उसे ये मिलता था, यानी सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलता था, या जो भी था सब कुछ मिलता था। अब जब हमने उसे पार्टनर बना दिया तो अब हम उसे क्या क्या देने वाले हैं। फाइन, जो उसे हम एज अ पार्टनर देंगे, अगर वो एज अ मैनेजर जो वो लेता था उससे ज्यादा हुआ तो वो पैसा कौन देगा? क्या वो पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, क्या वो पैसा एक पार्टनर देगा, क्या वो पैसा दोनों पार्टनर्स देंगे, कुछ अलग रेशो में देंगे? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का बेसिक है। मैं दोबारा समझाता हूं। एक एम्प्लॉय को उठा के हमने पार्टनर बनाया, तो जब वो एम्प्लॉय था, जब वो मैनेजर था, तो उसे जितना पैसा मिलता था एज अ सैलरी कमीशन एंड ऑल दैट सब टोटल करके, वो जितना पैसा बिजनेस से लेता था एज अ एम्प्लॉय, अब जब हमने उसको पार्टनर बना दिया, अब वो कितने पैसे का हमने उसे प्रॉमिस किया प्रॉफिट के अंदर से, अगर वो पैसा ज्यादा है तो उसका एक्सेस अमाउंट कौन देने वाला है? यही हमें कैलकुलेट करना है और यही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। मैंने क्वेश्चन नंबर 77 यहां लिखा है। जिनके पास बुक है वो बुक खोल के मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़े, न्यू वाली बुक जिनके पास है। जिनके पास नहीं है वो यहीं से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये बुक जिनके पास है वो इसको पढ़े। आ जाओ, मैं आपके साथ साथ देखता हूं, देखो क्या लिखा है। बोलता है अज्जू और बज्जू वर इन अ पार्टनरशिप। सर ये कौन से नाम है अज्जू बज्जू? अरे कोई भी बुक में नाम लिखा है। क्या हुआ इधर? अज्जू और बज्जू इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। दो पार्टनर थे अज्जू एंड बज्जू, रेशियो क्या थी? 4:1। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ देयर एम्प्लॉय सज्जू। क्या नाम है एम्प्लॉय का? सज्जू। ये देखो बाकी सब पहले काम की नहीं है। पार्टनर कितने थे? अज्जू एंड बज्जू। रेशियो क्या थी? सर 4:1। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ देयर एम्प्लॉय सज्जू हु वाज इन रिसीप्ट ऑफ अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर एनम। क्या क्या मिलता था उसको? सज्जू को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। उसे 5% प्रॉफिट में कमीशन भी मिलता था आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। दो चीजें मिलती थी सज्जू को। अब हमने क्या कहा? दे टूक हिम इन पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल गिविंग हिम 1/8। कितना? 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। हमने सज्जू को एम्प्लॉय से उठा के पार्टनर बनाया और कहा सज्जू मेरी बात सुनो, हम तुझे 1/8 शेयर इन प्रॉफिट देंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल यू बिकम आवर पार्टनर नाउ, यू आर अ पार्टनर नाउ, यू आर नो मोर एम्प्लॉय। तो सज्जू के दिमाग में कहानी आएगी, हो सकता है कि जो मुझे एम्प्लॉय में मिलता था वो ज्यादा हो और जो मुझे एज अ पार्टनर बना के दे रहे हैं वो कम है। तो फिर ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर सज्जू को एज अ पार्टनर ज्यादा पैसा गया तो वो ज्यादा पैसा कौन देगा? ये देखो, द एक्सेस टू सज्जू विल बी पेड आउट
ऑफ अज्यूस प्रॉफिट विल बी पेड आउट ऑफ अज्यूस प्रॉफिट, यानी जो भी एक्सेस होगा वो कौन देगा? अज्यूस देगा। बात खत्म हो गई। हु हैज गिवन द गारंटी? अज्यू। टू हूम? सज्जू। लो जी आगे नेट प्रॉफिट इन द ईयर इज 57,000। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बनाना क्या है सर? प्रॉफिट लॉस एक्सप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने तो लिखा नहीं सर, मैं बता देता हूं क्या बनाना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका समझाता हूं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तो दुनिया में किसी की बात मत मानना, सिर्फ मेरी मानना। ये देखो, आप सबसे पहले बनाओ वर्किंग नोट। क्या बनाओगे? वर्किंग नोट। अगर आप समझदार ज्यादा हो गए ना, अगर आप ज्यादा समझदार हो गए तो फिर ज्यादा समझदारी आपको नुकसान में ले जाएगी। वैसे ही करो जैसा मैं कहता हूं, और हर बार एक बात कहता हूं, मैं आपको 100 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं, 99-98 के लिए नहीं पढ़ा रहा। मैं चाहता हूं कि इस बार हम 100 नंबर में से 100 नंबर लेके आए। 100% मार्क्स वी हैव टू गेट दिस टाइम, 100%। आई बात समझ में? तो जैसा कहता हूं वैसा करो। बहुत इजी मेथड से पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी चीजें जब सुनोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आओ मेरे साथ आगे चले। सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे सज्जू एज अ एम्प्लॉई, और सामने इसके लिखेंगे सज्जू एज अ पार्टनर। सज्जू जब एम्प्लॉय था तो उसे कितना पैसा मिलता था, और जब सज्जू को पार्टनर बनाया तो उसे कितने पैसे का प्रॉमिस किया। ये वर्किंग नोट पहले बनाना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। आओ सज्जू एज अ एम्प्लॉय एंड सज्जू एज अ पार्टनर। आओ फटाफट देखें क्या लिखा है यहां। इन एप्रिप्रेशन ऑफ सर्विस, इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय सज्जू हु वाज इन रिसीप्ट ऑफ सैलरी। सबसे पहली चीज सज्जू को क्या मिलती थी? सर सैलरी मिलती थी। कितनी मिलती थी सर? 2400। ये पर एनम है, इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा हूं। 2400 पर एनम। एंड और सज्जू को क्या मिलता था सर? कमीशन। कितना सर? 5% कमीशन। 5% किस पे? ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? और मैं कैलकुलेशन करता हूं इस कमीशन की। नेट प्रॉफिट कितना है सर? 57,000। ये देखो, ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है कि आफ्टर कमीशन है? एक बार देखे तो नहीं, ये नेट प्रॉफिट हमारे पास बिफोर कमीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है 57,000, बोलता है कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी। तो यानी इसमें से पहले मैं सैलरी को माइनस करूं, और पहले मैं कैलकुलेटर ले लूं। मेरा कैलकुलेटर कहां है? एक मिनट, मैं अभी आया, एक मिनट। ये रहा मेरा कैलकुलेटर, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी। तो 57,000 माइनस 2400 ये बच गया 54,600। और इसके ऊपर थोड़ा यहां लिख लेते हैं, थोड़ा यहां लिख लेते हैं 57,000 जो नेट प्रॉफिट है माइनस 2400 ये बच गया 54,600। इस पे 5/1/5 इंटू 5/105 ये आ गया 2600। सर ये आपने कैसे निकाला? देखो ना क्या लिखा है, कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी। तो मैंने सैलरी माइनस कर दी। एंड कमीशन, यानी आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो कमीशन आफ्टर दिया तो 5/105 पे कर दिया, आपने टॉपिक किया हुआ है। तो टोटल कितना पैसा मिलता था उसको? सर 5,000। जब सज्जू एक इंप्लॉय था तो उसे एक साल के अंदर कितने की इनकम थी? 5,000। अब हमने सज्जू को पार्टनर बना दिया। तो पार्टनर बना के हमने क्या कहा? दे टूक हिम इन पार्टनरशिप फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल, गिविंग हिम 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। 1/8 शेयर इन प्रॉफिट।
और प्रॉफिट कितना है सर? 57,000। अब देखें तो कितना हो गया, 57,000 डिवाइड बाय 8, ये आ गया 7,125। देखा आपने, हैव यू सीन, कुछ नोट किया आपने? जब सज्जू को हमने पार्टनर बना दिया तो अब सज्जू को कितना पैसा मिल रहा है? 7,125। जब सज्जू मैनेजर था, इंप्लॉय था, तो उसे कितना पैसा मिलता था सर? 5,000। तो ज्यादा मिल रहा है कि कम? जब वो पार्टनर बना सर ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? और पहले निकाल ले एक्सेस, यही निकाल देता हूं, यहां ये खत्म हो गया, यही निकाल देता हूं। ये देखो एक्सेस टू सज्जू, कितना एक्सेस मिल रहा है सज्जू को? 7,125 माइनस 5,000, तो कितना हो गया सर? 2,125। और ये कौन देने वाला है? द एक्सेस टू सज्जू विल बी पेड आउट ऑफ अज्जूज प्रॉफिट। ये कौन पे करने वाला है? ये अज्जू पे करने वाला है, विल बी पेड बाय अज्जू। बस इतना जब आपने निकाल लिया, वंस यू हैव कैलकुलेटेड दिस, यहां तक आप कर चुके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बच्चों का खेल रह गया। यही कैलकुलेशन बच्चे इस सेक्शन में नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं और बाद में कंफ्यूज होकर बोलते हैं ये हमारे बस का टॉपिक नहीं है। अरे पागल बच्चों, ये तो इतना आसान टॉपिक है और 100% पेपर में आता है, 100% पेपर में आता है, इतना आसान है। बस दो ही तो चीजें कैलकुलेट करनी है, सज्जू एज अ एम्प्लॉय एंड सज्जू एज अ पार्टनर। फिर एक्सेस कितना मिल रहा है इसमें से, इसको माइनस करो, एक्सेस आ गया, वो एक्सेस देगा कौन? अज्जू देगा, लिख दिया अज्जू। अब क्या करना है सर? अब तो सर सिर्फ गाना गाना, अरे नहीं गाना नहीं करना है, अब हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे मालूम है इतने में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा और आ भी गया तो आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, मैं इसे हटाना नहीं चाहता, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। ये देखो यहां कर देता हूं 5,000 और यहां ये लाइन भी ऊपर ले जाता हूं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। और ये हम क्या बना रहे हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सर? कितनी बार पूछोगे आप? प्रॉफिट जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, तो यहां क्या लिखूं? बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसे दिया गया है? बिफोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस नेट प्रॉफिट में, नहीं तो मैं चेक कर लेता। नेट प्रॉफिट है 57,000। ये देखो यहां लिखेंगे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ना तो यहां पे कोई, ना तो यहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना तो यहां पे कोई सैलरी है, ना यहां पे कोई कमीशन है। सर ये सैलरी कमीशन है? अरे पागल, ये तो ऐसा एम्प्लॉय है, वो यहां थोड़ी आते हैं। तो लो आ जाओ, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको? अज्जू। फिर दूसरा कौन? दो लाइन छोड़ के सर बज्जू, बज्जू फिर तीसरा कौन? सर सज्जू। तो हमने इस प्रॉफिट को इन तीनों में बांटना है, एक अज्जू कैपिटल अकाउंट, एक सज्जू कैपिटल अकाउंट और बज्जू कैपिटल अकाउंट। मेरी बात सुनो ना, 57,000 के अंदर से आप जो सज्जू को ऐसा एम्प्लॉय मिल रहे थे 5,000, पहले यहां लिखो, बस इतनी सी छोटी सी बात और दिमाग में रखना कि यहां पे हम कौन सा पैसा लिखेंगे सज्जू के सामने? द वन द मनी ही वॉज गेटिंग वेन ही वॉज एज अ एम्प्लॉय, जब बिजनेस में वो एम्प्लॉय था, 5,000। तो 57,000 के अंदर से अगर हम 5,000 को माइनस कर दें, 5,000 को माइनस कर दें तो पीछे बचा 52,000। इस 52,000 का 52,000 इंटू क्या है इसकी फिगर? रेशियो क्या है सर? 4/5। और इसको कितना मिलेगा? 52,000 का 1/5। 57,000
माइनस 5000 इज इक्वल टू 52000। 52000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 41600। और 52000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 10400। आगे और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, कितना सर 5000। ये एरो ऐसे मत मानना, मैंने आपको समझाने के लिए एरो लगाई। अब मुझे बताओ क्या इसकी कोई प्रॉब्लम है, क्या इसने गारंटी दी थी? नहीं सर, इसको तो पूरा पैसा दे दो। मुझे बताओ इसने क्या गारंटी दी थी कि कोई भी एक्सेस होगा तो पैसा मैं दूंगा। कितना एक्सेस हो रहा सर? 2125। 41600 माइनस 2125 इसको मिल गया 39475। और इसे इसे मिल जाएगा किससे? अज्जू से। कितना? 2125। इसके पास पहुंच गया 7125। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज ओवर, ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। इतना सा क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे क्यों पागलपन करते हैं यार। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें क्या पागलपन है, इसमें क्या है जो हार्ड है? बोलते मैनेजर बिकम पार्टनर का क्वेश्चन इतना हार्ड हो जाता है, बच्चे बोलते कुछ मुझे नहीं आता। ये हार्ड है क्या? ये हार्ड है क्या? ये बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे ना, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता। ये कमीशन वाला कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये आफ्टर कमीशन की बात कही गई थी, इसलिए 51105 पे ये पहली बात यहां क्लियर होनी जरूरी है, यहीं पर गलती हो जाती है। दूसरा कंसेप्ट क्लियर होना क्या जरूरी है? ये नेट प्रॉफिट कौन सा दिया है? अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कुछ दिया होता तो फिर हमें कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट सही करना पड़ता, क्योंकि यहां पे हम कौन सा नेट प्रॉफिट लेते हैं? वी ऑलवेज टेक अ नेट प्रॉफिट हियर विच इज बिफोर एप्रोप्रिएशंस एंड आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। मैंने ये बात अपनी क्लासेस में 100 बार बताई है। तो यहां बेसिक कंसेप्ट लगते हैं जो आपने पीछे सीखे हैं, इसलिए बच्चे जो कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ रहे होते इस क्वेश्चन पे आते आते दम तोड़ देते हैं और कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, हम ये वाला टॉपिक छोड़ रहे हैं किस्मत के ऊपर। जब 100 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो तो एक भी टॉपिक अगर छूट गया ना तो 100 नंबर का चक्र टूट जाएगा। वो है ना आपके पोलियो के ड्रॉप जो पिलाते हैं, है ना, एक भी घर छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। मैं आपसे कहता हूं, आपसे, आप सुन रहे हो मेरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चे तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। आप इतने बड़े दिमाग वाले बच्चे हो कि मैं इतनी बार बोलता हूं कि आप मुझे होमवर्क करके भेजो, आप मुझसे डाउट पूछो, लेकिन आप तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। और मैं आप बच्चों के लिए दिन रात एक करने की सोच रहा हूं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। एक मिनिमल फीस के ऊपर मैं आपको 100 मार्क्स लाने की बात कर रहा हूं और आप उसकी उस बात का रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। एनीवे, आप आजकल के बच्चे हो, यही मेथड है आपका अपने टीचर की रिस्पेक्ट करने का। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। दैट इज द सेम वे यू रिस्पेक्ट योर टीचर दीस डेज। आजकल के टीचर्स को बच्चों के साथ यही एक्सपेक्टेशंस हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी टीचर्स भी आजकल ऐसे हैं। दे आर 100% प्रोफेशनल नाउ, दे डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, दे वरी अबाउट देयर पॉकेट। और होना भी ऐसा चाहिए, आप लोगों ने ही तो टीचर्स को ऐसा बना दिया, तभी तो आप लोग मेरे एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते। नॉनसेंस हो आप लोग, नॉनसेंस बच्चे हो आप। कैसे लाओगे 100 नंबर अगर घर में बैठे रहोगे दो वक्त के? कम से कम रिप्लाई तो करो, कम से कम डाउट तो पूछो। आप तो सो जाते हो, कुछ तो डेड बच्चे हैं। तो लोग खत्म करें बात को, आ जाओ इधर फटाफट से, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दिस क्वेश्चन इज ओवर, कुछ भी नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 78। तब तक आप इसे नोट कर लो, तब तक आप इसे नोट कर लो। आ जाओ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की छोटी सी क्लास को खत्म करेंगे और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन नंबर्स तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए साथ के साथ आप क्वेश्चन नंबर्स 112 एंड 113 कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज की जो मैं समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा और डिफरेंस आ जाता है, देखिए वही। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े क्या है, पी क्यू आर इन ए पार्टनरशिप, ये तीनों अब पार्टनर बन चुके हैं।
पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 4:3 एंड आर रिसीविंग अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम। देखो मैं साथ साथ करता हूं, आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बना देता हूं। आर एज अ एम्प्लॉय और सामने बनाता हूं आर एज अ पार्टनर। आर को एज अ एम्प्लॉय क्या मिलता है, एज अ पार्टनर मैं साथ साथ चलता हूं। आर रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम। जब आर एक एम्प्लॉय था तो सबसे पहले हम उसे दे रहे थे सैलरी, कितनी सैलरी 20,000 पर एनम। आओ आगे बढ़े। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। फिर वही सेम बात आ गई, और हम क्या देते थे कमीशन, कितना कमीशन 10%, लेकिन किसके ऊपर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। आप इस बात को नोट करो क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो अब हमें नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा, फिर उसमें से सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो कमीशन होगा 10/100 करना पड़ेगा, ये आप जानते हो। लेकिन मैं देखू प्रॉफिट क्या दिया है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। अरे सुनो 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 सुनो, जो प्रॉफिट दिया है ना वो ऑलरेडी आर की सैलरी को चार्ज करने के बाद दिया है। द प्रॉफिट गिवन इज आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इसमें जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। तो आओ फटाफट से देखें, इसका मतलब अब मुझे सैलरी माइनस करने की जरूरत नहीं, तो मैं 3,85,000 के ऊपर 10/110 सीधा कर लेता हूं। 3,85,000 मैं ठीक करके लिख लूं, 3,85,000 × 10/110 ये आ गया 35,000। तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है व्हेन ही वाज एज एन एम्प्लॉय, सर 55,000। और व्हेन ही बिकम अ पार्टनर और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर। सुनो मेरी बात, अब यहां गौर देखना, 1/6 ऑफ द प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना है सर 3,85,000। नहीं, फर्म का प्रॉफिट 3,85,000 नहीं है, क्योंकि 3,85,000 तो आर की सैलरी के बाद है और आर एक पार्टनर है और हमें पैसा चाहिए बिफोर द अप्रोप्रिएशन। तो हम कहेंगे 1/6 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा 385 + 20,000 ऑफ 4,05,000। सर ये कैसे आया, ये प्रॉफिट हमें सही करके निकालना पड़ा। ये प्रॉफिट जो दिया है 3,85,000 इसमें हमें ऐड करना पड़ा 20,000, क्योंकि 20,000 जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब वो मैनेजर नहीं है, अब वो पार्टनर है, तो ये प्रॉफिट जो दिया है वो आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी है, तो हमें तो बिफोर चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया उसे वापस प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो 1/6 ऑफ 4,05,000 कितना आया, अब देखें 4,05,000 / 6 ये आ गया 67,500। बोलो ना, जब हमने आर को पार्टनर बना दिया तो उसे पैसा ज्यादा मिल रहा है या कम, सर ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा, सर भी निकाल लेते हैं, आप दूसरा नहीं हो भी हम निकाल लेते हैं, ये लो एक्सेस, कितना एक्सेस मिल रहा है 67,500 -55,000, देखो तो कितना मिला सर 67,500 -55,000 ये आ गया 12,500, कितना एक्सेस है। और ये एक्सेस कौन देगा, एनी एक्सेस टू आर विल बी गॉन बाय पी एंड क्यू इन रेशियो 3:2। इस एक्सेस को दो लोग देने वाले हैं, एक तो पी और दूसरा क्यू, कितना कितना सर 12,500 × 3/5, फिर 12,500 × 2/5,
इंटू 3/5 ये देगा 7500 और ये कितना देगा, ये देगा सर 5000 इंटू 2/5 ये देगा 5000। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या निकाला, व्हाट आर इज गेटिंग व्हेन ही वाज एम्प्लॉयी, व्हाट आर वाज गेटिंग व्हेन ही वाज एम्प्लॉयी, व्हाट आर इज गोइंग टू गेट व्हेन ही बिकम अ पार्टनर। किस बात का ध्यान रखना है कि जो नेट प्रॉफिट दिया है क्या वो बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है या आफ्टर एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी दिया था, लेकिन हमें जो नेट प्रॉफिट की फिगर चाहिए होती है वो चाहिए होती है बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो हमने वापस उसकी सैलरी को ऐड कर दिया और ये फिगर पे आ गए जो कि बिफोर एप्रोप्रिएशन था। लेकिन इसका बेनिफिट हमें यहाँ ये मिला कि यहाँ हमें सैलरी माइनस नहीं करनी पड़ी, पहले से ही सैलरी माइनस करके दिया हुआ था। वो देखो ना, कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो यहाँ ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया था तो ये हमारे लिए इजी हो गया। हमने कमीशन निकाला, सैलरी निकाली, प्लस किया। व्हेन आर वाज अ एम्प्लॉई ही वाज गेटिंग 55,000, व्हेन ही बिकम अ पार्टनर ही वाज गेटिंग 67,500, द एक्सेस ही वाज गेटिंग वाज 12,500 एंड दिस विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब क्या रह गया, अब तो सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ मैं थोड़ा इसको ओपन कर दूं और यही बना देता हूं, छोटा सा यही बनाता हूं। ये देखो यहां मैं कोशिश करता हूं बनाने की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लो यही बना देते हैं। इसमें क्या है, यह आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट कितना सर 4,05,000। अच्छा ऊपर लिखना मत भूलना, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, यहाँ 55,000 को ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये लिखना मत भूलना क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये भी लिखा करो। अच्छा चलो इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो सबसे पहले कौन, पीस कैपिटल अकाउंट, फिर कौन सर आर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कौन अपनी पी या फिर क्यू है सर, पी के बाद क्यू, और फिर कौन सर आर्स कैपिटल अकाउंट। आप थक गए हो सर, हाँ मैं सच्ची में थका थका से महसूस कर रहा हूं। आप फटाफट से इसको खत्म करें फिर मैं भी जाकर सो जाऊं और आप भी सो जाओ क्योंकि ऑलमोस्ट 12:10 हो चुके हैं। ये देखो इधर फटाफट से, जब जब आर एक इंप्लॉई था उसको कितना पैसा मिल रहा था सर 55,000। यहां कौन सा पैसा लिखना है, व्हेन ही वाज एन एम्प्लॉई, तो 4,05,000 माइनस 55,000 कितना बचा सर 3,50,000। इसको 3,50,000 का कितना था इंटरेस्ट शेयर 4/7 और इसको 3,50,000 का कितना था इसका शेयर सर 3/7। तो देखो तो कितना हो गया 3,50,000 इंटू 4/7 ये हो गया 2,00,000। और 3,50,000 इंटू 3/7 ये हो गया 1,50,000 इसने कितनी प्रॉमिस की है देने की सर ये देगा 7,500। जगह ही नहीं छोड़ी है, ये देगा 7,500 तो 2,00,000 - 7,500 इसको मिलेगा 192,500 और ये सर ये देगा अपने में से 5,000 इसको मिलेगा सर 1,45,000 और ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 55,000 प्लस, अरे पेन कहीं तो काम नहीं कर रहा है, ये पेन भी अब थक गया है। इसको मिलेगा 55,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000 यानी 55,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000 कितना मिला 67,500 और इतना ही इसको एज अ पार्टनर मिलना चाहिए था
ये हो गया 405000, ये भी हो गया 405000। लो, आई होप आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक में कोई खास जान है नहीं, इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं। ये टॉपिक में बच्चे बिना बात के डरते हैं, बिना बात के डरते हैं। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट अगर आपने अच्छे से बना लिया, वर्किंग नोट अगर आपने ये वाला अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां कौन सी चीज लिखनी है पहले, इधर सबसे पहले यहां क्या लिखना है, वो पैसा जो एज अ इंप्लॉय ले रहा है 55,000, फिर 4,05,000 में से 55,000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 350, और 350 के ऊपर क्या रेशियो आ रही है 4:7, कहां से आई ये लिखी, और इसकी रेशियो क्या आ रही है 3:7, कहां से आई ये रही। सारी बातें क्वेश्चन के अंदर ही लिखी हैं, मैंने कुछ भी आपको रटा क्वेश्चन के हिसाब से नहीं समझाया, ठीक है जी। तो प्रॉफिट हमें याद रखना, क्योंकि आर अब एक पार्टनर है तो आर की जो सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इसीलिए यहां पर हमने इसको प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया। हमें यहां पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, बिफोर एप्रोप्रिएशन, और यहां कौन सा दिया था आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, इसलिए वापस इसको हमने यहां पर एड कर दिया। कोई भी रट्टा फिक्सेशन कहीं नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 112 और 113 करो और मुझे डाउट भेजो, सॉल्व हो जाए तभी मुझे भेजो, ताकि मैं चेक करूं कि आपने किस हिसाब से किए हैं। फिर एक क्लास हम इसकी और लगा लेंगे, जिसमें मैं आपको जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ 5-7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगा। बाकी एडिशनल क्वेश्चन आई होप आपने कर लिए होंगे और आप कर रहे होंगे, प्लीज मेरी बात का रिस्पॉन्ड किया करो। और हाँ, इन वीडियोज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब अगली वीडियो जो हम बनाएंगे सेकंड चैप्टर की, जो हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर की, तब हम इन्हें पब्लिकली अब नहीं डालेंगे, ये सिर्फ वही बच्चे सुनेंगे जो मेरे साथ प्राइवेटली मेरे साथ रहेंगे। अब ये सब बच्चों के लिए नहीं होगा, ठीक है जी, सेकंड चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का डेमो मैंने आपको दे दिया, यहां फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। वी हैव कंप्लीटेड 78 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए। कोई भी टीचर इतनी मेहनत आपके साथ नहीं करना चाहता, मैंने कहा ना, क्योंकि आप लोगों ने मजबूर कर दिया है, आप मेहनत का जवाब तो देते नहीं। यू पीपल डोंट रिस्पॉन्ड टू द हार्ड वर्क, सो नोबडी इज विलिंग टू डू हार्ड वर्क नाउ, ये आप लोगों ने ऐसा बना दिया टीचर्स को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको प्राइवेट पे डाल देंगे, उन्हीं बच्चों को देंगे जो बच्चे आप आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।